भास्कर चौधरी साहब। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। क्या हाल है? ठीक है डॉक्टर साहब। क्या बात है चौधरी साहब, कुछ आप परेशान से लग रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, परेशानी तो है। बताइए। पहले जो मैं दूध उत्पादन करता था और सेंटर पे ले जाता था, तो सेंटर वाले उसे खुशी से ले लेते थे। अब कुछ समय से जब मैं दूध वहाँ लेके जाता हूँ, तो हमेशा वो यही कहते हैं कि आपका दूध जो है स्वच्छ नहीं है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? देखिए चौधरी साहब, ये स्वच्छ दूध उत्पादन आजकल एक बहुत ही गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। शायद आपको पता नहीं कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान अर्थात NDRI करनाल इस विषय पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसके द्वारा आप जैसे कितने ही किसानों को मदद मिल सकती है। आप एक कार्य कीजिए, मेरे साथ चलिए NDRI करनाल। मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ कि स्वच्छ दूध उत्पादन की क्रिया किस प्रकार की जाती है। आप चलिए मेरे साथ। चलिए। स्वच्छ दूध के उत्पादन के लिए आवश्यक है कि दूध के उत्पादन के दौरान हर हालत में दूध का रखरखाव सही ढंग से पूरा किया जाए। पशु का पूरी तरह से स्वस्थ और किसी भी तरह की बीमारी से दूर रहना स्वच्छ दूध के उत्पादन में काफी सहायक होता है। दूध और उससे बनी चीजों का गोदामों में रखरखाव, परिवहन व्यवस्था, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने और पैकेजिंग पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। एक स्वस्थ पशु को ठीक ढंग से रखने के लिए कुछ जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। दुधारू पशुओं की समय समय पर जांच होनी चाहिए, जिससे कि पता चल सके कि उनमें किसी तरह की बीमारी तो नहीं है। पशुओं को मुंह और खुरपका की बीमारी, रिंडरपेस्ट, सेप्टिक सोर थ्रोट से बचाने के लिए टीके साल में कम से कम एक बार अवश्य लगवाने चाहिए। पशुओं पर किसी तरह के भी कीटाणु का प्रभाव ना पड़े, ये काम एक निश्चित कार्यक्रम के तहत करना चाहिए, जिससे कि वे बीमारी से दूर रह सकें। दुधारू पशुओं में थनैला एक आम रोग है। इससे पशुपालकों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और साथ ही इस दूध का कोई इस्तेमाल भी नहीं हो पाता है। थनैला बीमारी के दौरान दुग्ध कोशिकाएं बढ़ जाती हैं और दुग्ध उत्पादन में भी काफी गिरावट आ जाती है। थनैला ग्रसित पशुओं का सही ढंग से इलाज होना जरूरी है। स्वच्छ दूध उत्पादन में मवेशियों के आसपास की जगह की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पशु आवास हवादार और जरूरत के अनुसार प्रकाशित, सूखा और आरामदेह होना चाहिए। इसका निर्माण इतनी ऊंचाई पर होना चाहिए ताकि पानी के जमाव के अलावा चींटी, दीमक, मक्खी, तिलचट्टा और दूसरी महामारी वाले कीट जैसी किसी भी समस्याओं से उसका बचाव हो सके। विशेष रूप से पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए गौशाला की सफाई हमेशा बीमारी दूर करने वाली दवाओं के द्वारा होनी चाहिए। पशुओं के मलमूत्र के निपटारे के अच्छे प्रबंध को ध्यान में रखते हुए बायोगैस प्लांट या खाद के गड्ढे का निर्माण गौशाला से थोड़ी दूर पर करना चाहिए। पशुओं के लिए साफ पीने के पानी का प्रबंध होना चाहिए ताकि पानी के द्वारा फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम हो सके। स्वच्छ दूध के उत्पादन में स्वस्थ और संतुलित आहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पशु के चारे में सही पोषक तत्व बेहद जरूरी है। इसके लिए हरा चारा, सूखा भूसा, नमक और खनिज पदार्थ का मिश्रण सही अनुपात में रखना चाहिए। थनैला का मुकाबला करने के लिए पशुओं के भोजन में सेलेनियम और विटामिन ई को शामिल करना जरूरी है। पशु के चारे और भूसे को साफ और सूखे स्थान में रखना चाहिए ताकि एफ्लाटॉक्सिन्स कीटाणु की वृद्धि को रोका जा सके। पशुओं के चारे में कीटनाशक दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। दूध निकालने वाले बर्तन का साफ रहना दूध की गुणवत्ता को बहुत अधिक प्रभावित करता है। दूध निकालकर रखने वाला बर्तन स्टेनलेस स्टील का बना हो या उस बर्तन पर एल्यूमिनियम या लोहे की कलाई मौजूद हो। दूध निकालकर रखने वाले बर्तन के मुंह की चौड़ाई कम होनी चाहिए।
साथ ही उसके मुंह को अच्छे ढंग से बंद करना चाहिए ताकि बाहर की धूल और मिट्टी से दूध का संपर्क न हो सके। दूध निकाल कर रखने वाले बर्तन की सफाई मिट्टी या राख की बजाय हमेशा डिटर्जेंट और गुनगुने पानी से करें। ये सफाई इस्तेमाल करने से पहले और बाद में यानी दोनों समय करनी चाहिए। दूध निकाल कर रखने वाले बर्तन को किसी भी प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया से बचाव के लिए ये जरूरी है कि बर्तन को भाप द्वारा निष्कीटित कर लें। दूध निकालने वाले बर्तन को साफ करने के बाद उसे उलट कर रखना चाहिए और वो साफ जगह धूल गोबर और मिट्टी से मुक्त हो। साफ और सही ढंग से दूध दोहने के काम को पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि दूध दोहने वाला दूधिया भी साफ सुथरा हो। दूध दोहने के समय खखारने छींकने से बचना चाहिए, साथ ही धूम्रपान और तंबाकू के इस्तेमाल इत्यादि से भी परहेज करना चाहिए। दूध दोहने वाले दूधिया की व्यक्तिगत सफाई और जीवाणु के असर से मुक्त होना सबसे महत्वपूर्ण है। उसके नाखून तराशे हो, इसके अलावा दूध दोहने के समय वो सिर को ढके हुए हो। दुधारू पशुओं का जीवाणु रहित होना स्वच्छ दूध उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। गर्मी के मौसम में पशुओं को अच्छी तरह स्नान करवाना चाहिए, जबकि सर्दियों में ब्रश के द्वारा रगड़कर शरीर साफ करना चाहिए। ऐसा करने से धूल गोबर या बाल के द्वारा दूध दोहने के समय दूध दूषित नहीं होता। दुधारू पशुओं के थन के घाव को सड़ने से रोकने वाले प्रतिरोधक घोल या गुनगुने पानी से अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। उसके बाद थन और उसके मुख्य भाग को सूखे और साफ कपड़े से सुखाना चाहिए। इस काम में सफेद कपड़े का इस्तेमाल अच्छा होता है। दूध दोहने की शुरुआत के समय दूध में बहुत से छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि हर थन के मुख्य भाग से दूध के शुरू के कुछ धार को बेकार समझकर एक बर्तन में जमा कर लेना चाहिए। जमीन पर गिरा देने से मक्खी और कीड़े आकर्षित हो जाएंगे। दूध दोहने का काम दोनों हाथों से और 7-8 मिनट में पूरा होना चाहिए। थन के मुख्य भाग से दूध निकालने के बाद मुख्य भाग को आयन घोल में डुबाकर थनेला या फिर आयन की दूसरी बीमारी का पता कर लेना चाहिए। उपकरण के द्वारा दूध दोहने की प्रक्रिया में अत्यधिक सफाई होती है, इसके अलावा कीटाणु का कोई प्रश्न ही नहीं होता। ज्यादा दूध देने वाली गाय के दूध को प्राप्त करने के लिए दोहने वाली मशीन को प्राथमिकता देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो अनुसंधान की बात है, क्या ये गांव में भी संभव है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि ऐसी ही क्रिया पास वाले गांव में हो रही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ चलिए। जीवाणुओं द्वारा दूध का प्रदूषित होना दूध की गुणवत्ता में खराबी का सबसे बड़ा कारण है। जीवाणु की जंतु विज्ञान प्रक्रिया के अनुसार इसका तापमान कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दूध को कनस्तर या टैंकर के द्वारा 4 घंटे के अंदर डेयरी प्लांट तक भेज देना चाहिए। दूध का स्थानांतरण साफ पाइप के द्वारा होना चाहिए। धूल बारिश और सूरज की रोशनी का संपर्क दूध के साथ कम से कम हो, इसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कनस्तर का ढक्कन पूरी तरह से बंद रखना चाहिए। इस्तेमाल किए जाने वाले टैंकर की रूपरेखा ऐसी होनी चाहिए कि उसकी सफाई आसानी से हो सके। धूल से बचाव के लिए ढक्कन पूरी तरह से ढका हुआ हो और वॉल या रबड़ की नली से जोड़ने का प्रबंध भी होना चाहिए। उठाते समय टैंकर में दूध को बूंद बूंद टपकने से बचाने के लिए नालियों का किनारा पहियों का उभरा किनारा ऊपर की ओर होना चाहिए। डेयरी जहां दूध का काम हो रहा हो वहां भी कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्थान, ये खुले साफ और स्वस्थ वातावरण के अलावा शहर या औद्योगिक क्षेत्र से हटकर स्थित होना चाहिए।
बिल्डिंग जहां डेयरी स्थापित है उसका आकार माप के अनुसार अनुकूल होना चाहिए। इसके अलावा कार्य करने के उद्देश्य से उसकी बनावट में रखरखाव और सफाई प्रक्रिया का भी पूरा ध्यान होना चाहिए। हवादार और उपयुक्त रोशनी होनी चाहिए। जमीन, दीवार और छत चौरस, चिकनी और धुलाई व गंदे पानी के निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। कार्य करने की जगह की बनावट मक्खी और कुतरने वाले कीड़े से मुक्त होनी चाहिए। जमीन की सतह पर पूरी तरह से ढाल रखनी चाहिए ताकि पानी का निकास आसानी से हो सके। दरवाजा और खिड़की मक्खी मुक्त तार से ढके हों और बाहर की ओर खुलें। दूध के संपर्क में आने वाले प्रत्येक उपकरण और कार्य का साधन जंग से बचाव करने वाले धातु का बना हो। इसकी सफाई आसानी से हो सके। उम्दा किस्म के दुग्ध उत्पादन के लिए उपक्रम और उपकरण का जीवाणु से मुक्त होना बेहद महत्वपूर्ण है। संयंत्र में काम करने से पहले और बाद में हमेशा सफाई होनी चाहिए। काम शुरू होने से पहले और काम खत्म होने के बाद एक बार सारे उपकरण की सफाई के साथ साथ उसे निष्क्रिय करना चाहिए। उच्च कोटि के दुग्ध उत्पादन को प्राप्त करने के लिए कर्मचारी का साफ सुथरा होना बहुत आवश्यक है। काम शुरू होने से पहले कर्मचारियों को अपने हाथ साबुन व डिटर्जेंट से धो लेने चाहिए। कार्य संयंत्र में प्रवेश करने से पहले उन्हें साफ कपड़े और टोपी पहननी चाहिए। काम शुरू होने से पहले कर्मचारियों की सफाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। कार्य संयंत्र में डेयरी से पहुंचने वाले दूध का संगठन कार्य शुरू करना चाहिए। वसा की मात्रा के लिए पहले प्रयोगशाला में जांच करनी चाहिए। गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में पारित होने के बाद इसे साफ पाइप के द्वारा जीवाणु से मुक्त बर्तन में निष्कीटित अवस्था में उड़ेलना चाहिए। स्पष्ट रूप से देखने वाली धूल और अन्य बाहरी पदार्थ को हटाने के लिए दूध को छानना चाहिए, फिर कार्य शुरू करना चाहिए। सबसे पहले दूध को 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना चाहिए और इसी तापमान पर आधे घंटे तक रखना चाहिए। इसके बाद जीवाणु और अति सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए इसे 5 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि दूध हमेशा दूषित पानी, धूल, मक्खी से दूर रहे और इसे केवल विशेष प्रकार से तैयार किए गए पंप और यंत्र के द्वारा ही संभालना चाहिए। दूसरी अवस्था पैकिंग है। इस काम के लिए आसपास की जगह साफ और जीवाणु से मुक्त होनी चाहिए। पैकिंग विभाग भी हवादार, मक्खी और कुतरने वाले कीड़ों से मुक्त होना चाहिए। पैकिंग कार्य में इस्तेमाल होने वाली मशीन और यंत्र को भी पैकिंग शुरू करने से पहले और बाद में हमेशा निष्कीटित करना चाहिए। पैकिंग का सामान धूल से जरूर मुक्त हो और इसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। उपकरण साफ सुथरे और जीवाणु से मुक्त हो। पैकिंग कार्य के लिए कर्मचारियों का सफाई पसंद होना भी आवश्यक है। साफ सुथरे पैकिंग कार्य के लिए साफ वर्दी, दस्ताने और अन्य बचाव की चीजों को पहनना चाहिए। ताप का क्या प्रभाव होगा, कम से कम दिनों तक वो पदार्थ सही हालत में उपयोग लायक होगा। उसकी तिथि और इकट्ठा रखने की अवस्था, इन सभी चीजों का विवरण दुग्ध उत्पादन के लेबल यानी चिप्पी पर जरूर होना चाहिए। दूध और उसके पदार्थों को बाजारों में भेजने से पहले उन्हें गोदामों में रखना चाहिए। पैक यानी बंद उत्पादन को गोदाम में रखने के लिए ये जरूरी है कि आसपास पूरी सफाई हो और उसे विशेष तापमान पर रखा जाए ताकि उसका टिकाऊपन सुनिश्चित हो सके। इसे इस प्रकार निर्मित करना चाहिए कि इसमें सीधे रूप से रोशनी नहीं आ सके और ठंडा करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था हो। पैक किए हुए दूध के परिवहन व्यवस्था में इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। परिवहन की गाड़ी के अंदरूनी सतह का संपर्क दूध से नहीं होना चाहिए। इसकी बनावट ऐसी हो कि आसानी से धुलाई सफाई हो। साथ ही ये चौड़ा SS304 जंग को रोकने वाले धातु का बना हो। जिम्मेदार अधिकारी को ये जरूर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि परिवहन के माध्यम और उस पर रखने की जगह पूरी तरह से साफ और जीवाणु से मुक्त जैसी जरूरत को पूरा कर रहा है। इस प्रकार दूध और उसकी उत्पादन प्रक्रिया पूरी होती है।
उसे पैक कर साफ और कीटाणु से मुक्त स्थिति में भेजा जाता है, फिर घरेलू उपयोग के लिए ये सही रहता है। तो देखा चौधरी साहब आपने, हाँ जी, स्वच्छ दूध उत्पादन कितनी सरलता से एनडीआरआई करनाल में भी किया जाता है और इन्हीं आपके पास वाले गांव में भी किया जाता है। डॉक्टर साहब, मैं आपको जल्दी ही स्वच्छ दूध उत्पादन करके दिखाऊंगा। पक्का चौधरी साहब? पक्का। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा, राम राम। राम राम, राम, राम।